हेलो दोस्तों, दिस इज कौशल किशोर शर्मा एंड वेलकम टू इंग्लिश पॉइंट की ऑब्जेक्टिव ग्रामर पर प्रैक्टिस सेट बनाए हुए हैं। यदि आपने अभी तक उन्हें वॉच नहीं किया है तो प्लीज़ उन्हें भी जरूर वॉच करें, काफ़ी यूजफुल होंगी आपकी एग्जाम्स के लिए। और ये क्लास जो मैं बना रहा हूँ ये स्पेशली एमपी टेट, जो मध्य प्रदेश में प्राइमरी शिक्षक भर्ती परीक्षा चल रही है, उसके लिए बना रहा हूँ, जिसमें काफ़ी यूजफुल होंगी आपकी परीक्षा के लिए, या फिर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे, फिर भी ये ग्रामर के सेंटेंस आपकी एग्जाम के लिए जरूर बहुत ही उपयोगी है। यहाँ पर मैं आपको ग्रामर में ऑब्जेक्टिव के साथ साथ इसके रूल्स भी बता रहा हूँ, तो कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीख सकते हैं। तो जो पहला सेंटेंस है हमारा यहाँ पर वो है ही इज ब्लाइंड डैश हिज ऑन फॉल्ट्स, और हमें यहाँ पर प्रपोजिशन फिल करना है विद, टू, ऑफ या फ्रॉम में से। तो देखिए दोस्तों, ब्लाइंड के बाद दो प्रपोजिशन नॉर्मल यूज होते हैं, ब्लाइंड इन होता है और एक ब्लाइंड टू होता है, ठीक है। ब्लाइंड इन वन आई इस तरह से कह सकते हैं, ब्लाइंड टू फॉल्ट होता है, यानी किसी की गलती को जब अनदेखा करते हैं तो टू प्रपोजिशन लगाते हैं, और जब कोई व्यक्ति आंख से अंधा होता है तो ब्लाइंड के बाद इन प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो अब इस केस में यहां पर हमारे पास क्या है, हिज ऑन फॉल्ट्स, तो यानी हम किसी की गलती को अनदेखा करने की बात कर रहे हैं। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इसका टू, यानी ऑप्शन नंबर बी यहां पर राइट होगा। चलिए नेक्स्ट है सेकेंड सेंटेंस, प्लीज सेंड डैश द डॉक्टर, प्रपोजिशन फिल करना है इन, टू, फोर या विद में से। याद रखिए जब भी सेंड के बाद फोर प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है तो इसका मतलब होता है बुलाना, यानी कॉल। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा आपका सी, प्लीज सेंड फॉर द डॉक्टर। नेक्स्ट है सेंटेंस, ही हैज गिवन डैश हिज बैड हैबिट्स, ऑप्शन है अप, अपॉन, ऑन एंड लास्ट है इन, इनमें से आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपकी ये फ्रेजल वर्ब है, एक होती है बताऊँ मैं आपको गिव अप, गिव अप मीन्स होता है छोड़ना, त्यागना या रिनाउंस, अवंडन इस तरह से। तो गिव के बाद जब हम अप लगाते हैं तो इसका मीन्स क्या निकलता है, किसी चीज़ को छोड़ने से। तो ही है गिवन अप हिज बैड हैबिट्स, यानी उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया है। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा इस सेंटेंस का ए। नेक्स्ट है सेंटेंस, यू मस्ट शट दीज डोर्स, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब पैसिव वॉइस में क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, मस्ट आपकी एडजुलरी वर्ब है, सेट आपकी मेन वर्ब है एंड दीज डोर्स आपका ऑब्जेक्ट है। तो जब भी पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट को हमें बनाना होता है सब्जेक्ट, तो दीज डोर्स, मस्ट मॉडल वर्ब, जो मॉडल वर्ब है वही मॉडल वर्ब पैसिव में रहती है, और सभी पैसिव वॉइस के साथ बी वर्ब का प्रयोग किया जाएगा, तो मस्ट बी, और मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म सट का सट ही रहता है। तो ये आपका राइट ऑप्शन है ए। यहाँ पर आपको एजेंट यू, यानी ये जो बाई के बाद एजेंट का यूज करते हैं, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में लगभग 90% एक्टिव से पैसिव बनाते समय हमें एजेंट वाई का यूज नहीं करना है, और ना ही हमें ऑप्शन में कभी मिलता है। चलिए नेक्स्ट है, व्हाट डिड दे स्टील, एंड इसका भी हमें बनाना है पैसिव वॉइस। इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो जो डब्ल्यू एच वर्ड है वही रहेगा पैसिव में। फिर देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट में लिखा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब होती है वाज वर, तो वाज हो जाएगा। ऑब्जेक्ट नहीं है तो सिंगुलर ही लगाएंगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, और यहाँ पर बाई देम लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी। नेक्स्ट है टेल हिम टू वेट हियर, इसका भी हमें पैसिव वॉइस चेंज करना है, और यहाँ पर हम देखें इम्परेटिव सेंटेंस है, टेल हिम ऑब्जेक्ट है, ये आपकी इन्फिनेटिव है। तो इम्परेटिव सेंटेंस को जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो लेट से बनाया जाता है, तो पहले लेट, फिर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लिखा, बी वर्ब लगाएंगे, और जो मेन वर्ब है उसकी हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म का यूज करेंगे, और जो भी हमारे वर्ड आ रहे हैं वो उन्हें ऐड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन, जो राइट ऑप्शन है वो है बी, इन टेल हिम टू वेट हियर का पैसे बनेगा, लेट हिम बी टोल्ड टू वेट हियर। ओके नेक्स्ट है सेंटेंस, दे आर बिल्डिंग महात्मा गांधी पब्लिक लाइब्रेरी, इसको भी बनाना है चेंज इन टू पैसिव वॉइस।
आप लोग भी कमेंट करके बताते जाइए कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। लास्ट में आप टोटल स्कोर जरूर लिखें, और क्लास पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए इस सेंटेंस को देख लेते हैं। यहाँ पर है आपका दे सब्जेक्ट, आर है एडजुलरी वर्ब, बिल्डिंग है आपकी मेन वर्ब, महात्मा गांधी पब्लिक लाइब्रेरी ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट है। तो हम देखते हैं कि सेंटेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर आप देखें महात्मा गांधी पब्लिक लाइब्रेरी आपका सब्जेक्ट हो गया, एडजुलरी वर्ब इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बींग और आएगा पैसिव में, और मेन वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी थर्ड फॉर्म का यूज कर दिया जाएगा, बाय देम की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन है वो है आपका बी, यानी महात्मा गांधी पब्लिक लाइब्रेरी इज बीइंग बिल्ट इज द राइट ऑप्शन फॉर दिस सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस ही डैश दिस वर्क सिंस मॉर्निंग, और हमें यहाँ पर फिल करना है इज डूइंग, हैज डन, डज या हैज बीन डूइंग। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखें, हमें जब वर्क को फिल करना है तो यहाँ पर हमें टाइम मिलता है, सेंस ऑफ फोर के बाद टाइम कौन से टेंस में आता है आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, और यहाँ पर हमें बनाना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ही सिंगुलर है, सिंगुलर एडजुलरी वर्ब आएगी और यही यूज हो रहा कि ही हैज बीन डूइंग दिस वर्क सिंस मॉर्निंग। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना है, पसंद आए तो शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।